तो चलिए सीधा रुख करते हैं जबलपुर का, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साथ में हैं। मध्य प्रदेश देश के हृदय में बसता है और ये मध्य प्रदेश और इस प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के हृदय में वास करती है। जो व्यक्तिगत स्नेह पर हो चुका है, आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। समृद्धि के लिए उनके जीवन में साथ है मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, साथ है मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आज इतनी बड़ी संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के भाई बहन का आगमन हो चुका है। हम सब पूरे प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें, अभिवादन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। अमर शहीद राजा शंकर शाह और माननीय प्रधानमंत्री जी, सर्वप्रथम ग्रामीण आजीविका मिशन की बहनों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर सीधी जबलपुर से है, जहां बलिदान दिवस कार्यक्रम से आपको सीधी तस्वीर इस समय दिखा रहे हैं। तो जबलपुर में उपराष्ट्रपति का आज दौरा है, जगदीप धनखड़ जो हैं इस पूरे कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में आपसे कुछ ही देर बाद दिखाई देंगे। तो हम तस्वीर सीधी आपको ये जबलपुर से इस समय दिखा रहे हैं, जहां आपसे कुछ ही देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तो बलिदान दिवस कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें आप न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख रहे हैं और आपसे कुछ ही देर बाद कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी नजर आएंगे और साथ में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। ताकि हम सब भी उन जनजातीय नायकों की विरासत से, समृद्ध परंपरा से और उनके बारे में जान सके, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। पहले जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, एक दुखद स्थिति रही है, ऐसा लगता रहा जैसे समाज में देश में उनका अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन ऐसे दिग्दर्शी ऐसे विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जब देश को मिला वर्ष 2014 में, इस देश की तस्वीर बदलने लगी और आज ये देश दुनिया भर में तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। यह इस देश के लिए गौरव की बात है, हम सब के लिए गौरव की बात है। हमने उस ब्रिटेन को पीछे पछाड़ा है जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, जिसने भारत को गुलामी के जंजीरों में जकड़ा। आज वो यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड अर्थव्यवस्था की गति में हमसे पीछे हो गया है। वो सिर्फ इसलिए हो सका है कि इस देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। आप सब जानते हैं विश्व के सबसे लोकप्रिय जन नेताओं में, राजनेताओं में जिस विभूति का नाम है और पहले स्थान पर नाम है, वो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनका जन्मदिवस हमने कल मनाया और इसी मध्य प्रदेश की धरती पर मनाया। और जिस दिन 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उनके जन्मदिन पर रक्तदान करके एक इतिहास रचा, रिकॉर्ड बनाया और दूसरों की जिंदगी को बचाने का, दूसरों की जिंदगी को खुशमय बनाने का, उन्हें स्वास्थ्य के सुविधाओं से जोड़ने का एक संकल्प लिया, ये संकल्प अद्भुत है, प्रेरक है और इस संकल्प से इस देश की और इस समाज की दिशा बदलेगी, नए भारत का निर्माण होगा, एक न्यू इंडिया आकार ले रहा है जिसमें आप और हम मिलकर अपनी अपनी भूमिकाएं निभा भी रहे हैं और निभाते रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जैनेन्द्र जी। हम आपको बता दें कि कल जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हम सभी मना रहे थे, तब पूरे प्रदेश भर से लगभग 1,20,000 हमारी महिलाएं, जो स्व सहायता समूहों से, ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उन महिलाओं का एक वृहत, एक भव्य सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। उस सम्मेलन को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्योपुर जिले में संबोधित भी किया, ये भी बड़ी अद्भुत सी बात रही। कल लगभग 43 लाख महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही स्व सहायता समूह की 1.25 लाख बहनें इकट्ठी थी और अपने संघर्ष से अपनी सफलता की नई कहानियां लिख रही हैं और हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रही हैं। उन बहनों के लिए भी हमने सुना, तो हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत उन्नत बन रहा है होगा। और आज ही के इस अवसर पर उपराष्ट्रपति महोदय के करकमलों से लोकार्पण जिन परियोजनाओं का होने जा रहा है, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से, उनमें भी शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। बिल्कुल सही। और हेलो हेलो
हम आपको बता दें कि अनेक जनजातीय नायक हैं जिनके बारे में हमारी जो चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें चित्र प्रदर्शनी के अवलोकन के माध्यम से आप सभी विस्तार से जान सकेंगे। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ नाम लेना चाहूँगी, शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह जी, झलकारी देवी, खाज्या नायक, भीमा नायक, सीताराम कंवर, रघुनाथ सिंह मंडलोई, सुरेंद्र नायक, टंठिया भील, गुंडाधुर, मुंडेबाई, मंशु ओझा, रायन्ना, सिद्धू संथाल, कान्हू संथाल, बाबा तिलका मांझी। देवी सज्जनों, आइए हम खड़े होकर अपने अपने स्थान पर स्वागत करें, अभिनंदन करें आज के हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परम आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय का, श्री जगदीप धनखड़ जी का, जिनका शुभागमन इस मंच पर हुआ है। करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है, नमन है ऐसी विभूति का जिनका शुभागमन हुआ है। माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय मध्य प्रदेश शासन के मंत्रीगण और सभी विभूतियों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आज के इस अवसर पर। ये अवसर हम सबके लिए बहुत विशेष है, यह अवसर हम सबके लिए बहुत अनूठा है, क्योंकि आज है बलिदान दिवस। जनजातीय नायकों के पुण्य स्मरण का यह दिवस है। अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह, जिन्होंने जबलपुर की इस धरती पर ही अपना बलिदान दिया। 1857 में क्रांति की ज्वाला जब भड़की थी, उसके पीछे ऐसे बलिदानियों की गाथाएं, शौर्य गाथाएं शामिल हैं, अंग्रेजी सत्ता जिससे आतंकित थी। तो ऐसे जननायकों को उनका वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से, श्री जगदीप धनखड़ जी से, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन विभूतियों से कि वे दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से, माननीय राज्यपाल महोदय और साथ ही निवेदन माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और मंचासीन विभूतियों से कि वे दीप प्रज्वलन करें और ऐसे जनजातीय नायकों के पुण्य स्मरण के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। हम सबकी तरफ से ये पुष्पांजलि हो ऐसे वीर नायकों के प्रति, ऐसे जनजातीय नायकों के प्रति जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी, आंख में आंख डालकर उनका मुकाबला किया, लेकिन अपना सर कभी झुकने नहीं दिया। सीने पर गोलियां खाई, तोपों के गोलों से वे बलिदान हुए, लेकिन उन्होंने कभी अपना मस्तक नहीं झुकने दिया, अपने स्वाभिमान में कभी कोई आंच नहीं आने दी। तो आइए स्मरण करते हैं दीप प्रज्वलन के माध्यम से, और आप सबके कल्याण की कामना भी हम इस रूप में करते हैं। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होनी चाहिए, ऐसे शुभ संकल्पों में आपकी तालियां जरूर शामिल होनी चाहिए, और उन तालियों के रूप में हम सबके जीवन के लिए, सभी समुदाय, समाज और मानवता के कल्याण की कामना करते हैं अपने इन जनजातीय नायकों का पुण्य स्मरण करते हुए। आइए पुण्य स्मरण करें अमर शहीद राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह जी का। हम निवेदन करेंगे हमारे अतिथियों से शंकर शाह जी और कुंवर रघुनाथ शाह जी के चित्र पर माल्यार्पण करें। ये वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है, ये वर्ष है आजादी की लड़ाई में अपना जीवन न्योछावर कर देने वाले जनजातीय नायकों के स्मरण और सम्मान को समर्पित। आज का ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला की एक कड़ी है जब हम बलिदान दिवस मना रहे हैं जनजातीय नायकों का, अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी का। बहुत बहुत आभार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का, जिनके कर कमलों से दीप प्रज्वलित हुआ, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी विशिष्ट अतिथियों का जो इस गर्मा